थोड़ा सा पीछे आ जाए ताकि हमारे जो पीछे जो हमारी कैप्टन बैठी हैं सारे की सारी कैप्टन विद द प्रोड्यूसर, वो सब यहाँ पे लाइन से बैठ जाओ, सारे के सारी बैठ जाओ, सारे की सारी बैठ जाओ। जिसको मेरी गोदी में आना वो भी आ सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यस हाँ जी प्लीज। क्रिकेट टीम तो आप बना रहे हैं जी, लेकिन छह लोगों से सिर्फ खो खो टीम बन सकती है, क्रिकेट टीम नहीं। इसीलिए आपको हमें लेना होगा और हम तो आए हैं बल्ला लेकर। आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट को देख करके मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बापरे बापरे, इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे, मैं बता रहा हूँ कि हमारे हमारी क्रिकेट टीम के अंदर में ना भाई 12 खिलाड़ी होते हैं। हाँ, लेकिन सिनेस्टार क्रिकेट लीग के अंदर में एक टीम के अंदर में 9 लड़कियां होंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि एशिया कप में हाल तो देख ही लिया, एशिया कप में हाल तो तुम लोगों ने देख ही लिया। 12 खिलाड़ी वो ना कर पाए जो तुम कर जाओगी, 9 खिलाड़ी। तो अपने लिए जोरदार तालियां। तो ऐसा है सर कि ये है सिनेस्टार क्रिकेट लीग की पूरी टीम, कुछ इधर उधर है जो आई नहीं होने वाली है इसमें। यासे। हाँ, एक एक करके। हाँ, क्या आपका सवाल क्या है? कैट फाइट कितनी होने वाली है? प्लीज माइक दे दीजिए सामने, मैं अपना माइक दे दूं क्या? मैं एक मिनट, माइक पे बोलिए। एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए ना एंटरटेनमेंट। हाँ, चाहिए तो सही। कैट फाइट तो होगी, बहुत मजे से होगी और धमाकेदार होगी। क्यों? और एक सेकंड में एक आंसर और मिलेगा कि लड़कियां देख के आपको बिल्लियां ही याद आती है, शेरनियां याद नहीं आती क्या? बट फाइट तो कैट ही करती है, शेरनियां फाइट नहीं करती। शेरनियां सिर्फ फाड़ती है। कुछ बोला कि कैट फाइट के अलावा भी बोल के आया करो आप लोग। कुछ नया आ रही होगा। बिनाफ्शा जी बोल दीजिए, कुछ कप्तानी कर रहे हो आप, बोल दीजिए। एक्चुअली मुझे क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं है, एंड आई एक्चुअली होस्टेड BCL अ सीजन आफ्टर प्रीतम होस्टेड इट, एंड जसवीर मैम वाज देयर। आई कैन सी सो मेनी फेसेस जो सब थे, वो लोग क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते हैं, सो आई एम प्रीटी नर्वस, बट आई होप कि जो मेरी टीम हो वो बहुत ही स्ट्रांग हो, एंड द गर्ल्स यू गाइस आर ऑलरेडी सो पम्प्ड, सो आई एम श्योर इट्स गोना बी ग्रेट। पर आपको किसी को पिक करना रहे, यहाँ कितनी सारी खूबसूरत महिला है, कोई किसी को आपके पिक करना पड़े एज एन ओपनिंग बैट्समैन? सनाया इज अ फ्रेंड सिंस फॉरएवर, एंड फॉर श्योर आई थिंक मुझे पहले लगा कि ये इनकी टीम है बैंगलोर की, सो आई थिंक सनाया पलक में भी, बाकी किसी को मैं इतना जानती नहीं हूँ, बट आई थिंक प्रियंका प्लेज क्रिकेट एंड शी इज वेरी फाइस्टी एज अ प्लेयर एज वेल, सो आई थिंक प्रियंका एज वेल, और बाकी देख लेंगे बाकी। सनाया आपके पास माइक होना चाहिए, मेरा सवाल आपसे होगा। माइक सनाया, व्हाट यू आर माय फेवरेट आल्सो पर्सनल फेवरेट, यू लुक गॉर्जियस, कुछ बताना चाहूंगी। जस्ट बाजू में पलक बैठी आपकी सबसे अच्छी दोस्त, बाहर मैंने सवाल दोनों से पूछा था, ये मैं वही कहने वाली थी कि आपने पहले इससे पूछा कि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड अपोजिट टीम में होगी, हमने देखा है सोशल मीडिया में काफी आप लोग जिस तरह की ट्यूनिंग आप लोग की है काफी अमेजिंग लगती है। फेयर कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली होगी, बट हेल्थी होगी, उसमें हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली कोई इंपैक्ट हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया कप्तान, अरे सारे सवाल खुद ही करेगा क्या, दूसरों का मौका ना देगा? ठीक है, मैं रुक जाता हूं, मैं नहीं और कोई है तो नहीं, तो यू कैन कैरी ऑन, क्योंकि एक ही तो पूछ रहा है उसे क्यों रोके। हां जी जिगर सर, जिगर सर के लिए सवाल है। जिगर सर अगर आपको लगता है कि इंस्पिरेशन बनने का छोटे कस्बे में या छोटे शहर में जो लड़कियां खेलती हैं क्रिकेट या इंटरेस्ट है, कितना जरूरी होगा ये चीज? इट विल डेफिनेटली बी इंस्पिरेशनल, सिर्फ छोटे कस्बे नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अक्रॉस इंडिया एंड इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इट विल बी इंस्पिरेशनल व्हेन वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस प्लेइंग क्रिकेट। फर्स्ट सीजन एज आई सेड इट इज अबाउट क्रिकेट, मे बी नेक्स्ट सीजन विल बी प्लानिंग सम अदर स्पोर्ट, सो इट डेफिनेटली विल बी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल टू द एंटायर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, and they are all idols, fashion icons, or har ek ke liye kuch na kuch source of inspiration hai, so when we see them on ground I'm sure it will be a source of inspiration for
everybody, not only girls, even the males, kids, and senior citizens as well, because it gives a message of fitness and sports both. So I am sure it is going to be a source of inspiration for everybody. Jigar sir, se main ek sawal puchna cha raha hu. Sir, ek baat batao. Aapne cricket hi kyun chuna? Aap to shopping league bhi chun sakte the. Aisa koi show bana sakte the. Jahan par sari ladkiyan daude, jo ladki pehle wapas aaye, usko prize de diya jaye. Ye hai Jigar Shah present shopping league. Usme aisa hai कि हमारा बजट सिर्फ 54 प्लेयर्स का था. अगर शॉपिंग लीग हम लोग प्लान कर लेते तो शायद 200-500 लड़के हो जाती एंड प्रोडक्शन इटसेल्फ वुड हैव बीन बिकम वेरी एक्सपेंसिव. तो हमने सोचा कि क्रिकेट से शुरुआत करते हैं, सिर्फ बैट और बॉल की कॉस्ट है, अगली बार शॉपिंग के बारे में भी जरूर सोच लेंगे. और जो टीम जीतेगी उसको सर कुछ दे रहे हैं क्या? सर सर अच्छे होस्टिंग करने के लिए मैंने सुना है कि आप फ्लैटलेट बांट रहे हैं. कुछ पैसा बच जाएगा तो अपन दोनों बांट लेंगे, इनको क्यों देना. सो प्राची, I want to know that you have a flight. Yeah. So I'm really sorry. वक्त की नजाकत है, मौके का दस्तूर, वो जाना भी के जाना जो लौट के आना हो. आओ मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा हूँ. भाई जोरदार तालियां प्राची के लिए. प्राची जाते तो कुछ बोलना चाहोगी? आज लग रहा है पिछला बार दोस्त ले गए उनके मेले का. मुझे भी. But I'm very excited to play this, and after a very long time I'll be playing professionally with all these beautiful girls. I don't know hamari team kaun si hai, but I'm looking forward. Jo bhi team members hongi hum zarur jeetenge. Thank you so much. Thank you. You know, please follow me on Instagram, Pritam Singh Naina. Pritam baaki sab taiyari. No, actually I spilled some coffee on myself, so okay. Coffee gir gayi. Yes. मुझे बुला लेती, मैं धो देता. मैं सारे लड़कियों का बोझ उठाने वाली. प्रीतम जी इनका सवाल ले लीजिए, मीडिया का सवाल. तो जी मीडिया का सवाल प्लीज. आई एम नॉट अ बात नहीं, अब जब कह ही दिया तो बैठ जाओ, चुप हो जाओ. प्रीतम जी सवाल. जी सर सवाल. Honestly, I know few of them. One of them is Mithali Raj, but बहुत ही ईमानदारी के साथ जवाब दूंगी कि मैं क्रिकेट जो फीमेल के हवाले से वो इतना ज़्यादा नहीं देखती. बट हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें जो मुझे पता है एक अच्छी क्रिकेटर में होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बोला कि तैयारी नहीं हुई है, तो सर तैयारी हमेशा जिस्मानी तौर पर नहीं होती है, फिजिकली कहीं ना कहीं मेंटली भी होती है. एंड ट्रस्ट में आने के पहले भी मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे किस टाइप के शॉर्ट्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक सो कि हम बहुत ज़्यादा मचाने वाले हैं. आपके लिए था सर, और आपके लिए मिताली राज. आई थिंक आपका कौन सा फेवरेट शॉट है, मतलब आपके यहाँ के आपने यूट्यूब वीडियोस देखे, कौन सा फेवरेट शॉट लगा? मैं आपको वो लेके आया बैट, मैं आपको फिजिकली करके दिखाती हूँ. नाम से तो मुझे दो. आई डोंट माइंड, आई गो फॉर इट. होमवर्क करके आई, मतलब करके आई हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ. गिव मी द बैट, आई विल डू इट. गिव मी द बैट प्लीज. आप समझ रहे कि बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है. स्क्वायर कट, स्क्वायर कट. आगे बढ़ बढ़ के स्क्वायर कट, स्क्वायर कट. मैं तो कहता हूँ हेलीकॉप्टर शॉट हो जाए. एनीवन एल्स? इसके अलावा ये सारे कप्तानों से जानना चाहूंगा, काफी खामोश बैठे हो. बहुत सारी चीजें होने वाली है, सुपर ओवर्स भी होंगे विद ऑल द सुपर वुमेन. सो इफ यू थिंक वी डोंट नो अ क्रिकेट, उसका मैं जवाब दूंगी. हम प्रिपेयर होना हो, हम ऑनेस्ट जरूर है कि अगर हम प्रिपेयर नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करेंगे. मैच में टाइम है, एंड आई थिंक फॉर अ वुमेन वन मंथ is a lot of time. एक महीने में हम जो गुगलियां फेंकेंगे, एक महीने बाद जो मैच होगा आप लोग खुद ही देखने आ जाएंगे.
बैंगलोर कप्तान से मेरा एक सवाल रहेगा सर, आप थोड़ा माइक पे। अरे मैं तो मेरे साथ बैठना चाह रहा हूँ। बैंगलोर की आपके पहली बार हो रहा है टूर्नामेंट? Actually, I just got to know that I'm captain of this team. So this was surprise for me. पर हमारी बैंगलोर टीम आईपीएल की 2008 से अब तक आईपीएल नहीं जीत पाई, काफी प्रेशर, उस कप्तान को काफी प्रेशर होता है, पर ये कप्तान से जानना चाहूंगा कि आपको कितना प्रेशर है, बैंगलोर टीम को कभी जीत नहीं मिली है उसके लिए। You never know, probably this time we break the chain and Bangalore win. Yes, yes sir, ma'am, you are saying something. I said this time we break the chain and probably the Bangalore will win this time. All the best. Thank you so much. मैं चाहता हूँ कि बाकी सब जो है फिलहाल हमारे कैप्टन स्टेज पर हैं, और प्रज्वाल गुप्ता, निशांत शर्मा, इन सबके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, because it takes a lot of effort to put a show together. और एक और नाम जिसके बिना जो है ये शो अधूरा था, जिन्होंने लास्ट मिनट आकर के सब कुछ संभाल लिया, कौरव जागर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा, आपका अपना हूँ। क्रिकेट नाम सुनते हो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, आप लोग कुछ बताइए। You can start off. थोड़ा explain कर दो what we are doing, then I'll say how excited I am. Basically, we are organizing a cricket league, as you all know. So this is the first season which is related to women empowerment. So Sinestar Cricket League है, इसमें we have 6 teams. Each team would have 9 players, and we are really looking forward to a fun-filled, very energetic cricket on the ground. So in the days to come, I'm sure you all will witness a lovely game which will be like fun-filled, entertaining. So that's how it is. Ma'am, what do you want to say about the league? Yeah, like he said, you know, it's a super fun concept. There's a lot of fun, there's sports involved, and cricket, as we know, India mein, as a nation, we all love cricket. And abhi aap logo ko teams full of women dekhne ko milega. It's a great step towards women's empowerment, and I am super excited because mostly hum log shoot kar rahe hote hain, to shoot se it's like a nice break. जहाँ पे ऑब्वियसली विल बी बर्निंग कैलोरीज बिकॉज वी आर गोइंग टू बी सुपर एक्टिव इन प्लेइंग द गेम्स, बट देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन एंड सो मेनी वेमेन टुगेदर। सो आप लोग सोच ही सकते हो, इतनी सारी लड़कियाँ जब एक छत के नीचे आ जाएगी तो मस्ती, कैट फाइट्स, व्हाटएवर, लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ फन, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन। सो आई एम ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सीजन, अ ग्रेट फर्स्ट सीजन। काफी सारी टीम नजर आ रही है, दिल्ली और बैंगलोर, आप कौन सी टीम में खेलने वाले हो? Man, I think I've yet not been told. I need to know which team am I well, playing. We have to wait for that moment. Because shortly things will be revealed. They'll be announcing. मुझे honestly नहीं पता. For me, it's a surprise. I think they're going to be announcing the teams very soon. मुझे भी नहीं पता. Of course, आपको पता है, बोल नहीं रहे हो. What kind of preparation you have done? Well, हमारी practices अभी शुरू होंगी. So obviously, all of us, once we get to know, once I know which team मैं कौन सी team से belong करती हूँ, मेरे टीममेट्स कौन है, विल ट्राई एंड हैव अ चैट, फिगर आउट किसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, एंड देन सी बेसिक क्रिकेट वी ऑल नो, बट देन वी हैव टू ऑब्वियसली डू आर प्रैक्टिस मैचेस, यू नो इट्स नॉट दैट हम हर रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, सो लिटिल ब्रश अप ऑन द स्किल, बट ओवरऑल जस्ट टू हैव फन, दैट्स द होल आइडिया। एंड कैट फाइट किससे होने वाली है? आपके एंड से कोई कैट फाइट ऐसे लोग अगर आई डोंट डू कैट फाइट्स वेरी ऑनेस्टली, बट टीममेट्स आर डूइंग, वी हैव टू फिगर आउट, बट आई एम श्योर इट्स ऑल गोइंग टू बी फन, एंड ठीक है यार, मतलब इट्स फन, आई थिंक इसीलिए भी लोग देखने भी आएंगे कि इतनी सारी औरतें, ऑल डिफरेंट पर्सनालिटीज, क्या होने वाला है मतलब खेल के मैदान में। आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर वुमेन्स होगा या फिर मेंस होगा, कोई ऐसा कोई फेवरेट? सी वी टॉकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, सो आई वुड लाइक टू नेम अ वुमेन क्रिकेटर, आई लव मिताली राज, सो आई मीन ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ द मेन एज वेल, बट सिंस मैं आज यहाँ आई एम kind of representing a woman and the women's cricket, so I'll go with it. And kahan pe, like are you a batsman, bowler, opening batsman, all rounder? Wo to abhi pata chalega, but you know honestly aise kabhi bifurcate karke khela nahi hai, but I love to bat, you know, once in a while bowl also, so ek you know sporty side hai, but exactly kya karne wali hu, like I said, once I get to see puri team ki entirety mein who figures out in which spot, we'll have to see that. बेसिकली वी आर रिवीलिंग द टीम नेम्स, वी आर रिवीलिंग द टीम कैप्टन्स, एंड बाकी का जो टीम है वी हैव टू वेट, वी हैव अ मेगा लॉन्च हैपनिंग ऑन 20th of October, सो जैसे टीम नेम्स हम लोग उस टाइम पे अनाउंस करेंगे आफ्टर द प्रैक्टिस सेशंस,
And I'll also like to tell you that this is just the first season. So in first season, we focused on women empowerment, where we are talking of women cricket. But in seasons to come after, we are looking at other sports also. As we all know, the whole of the country and the rest of the world is all about fitness. So, har koi aajkal fitness freak hai. So, we have a concept that through the entertainment, through games, let the whole country and the rest of the world become fit. So, we've initially started with cricket because cricket is a religion in India. Yeah. So, we've actually started with cricket, but over the seasons to come and with the rest of the time to come, we're planning to do a lot of sports activities for the artists, people from different segments of the businesses. So, hopefully, we'll have a lot of things coming in future. Thank you. I'm excited because after a very long time, I'm getting a platform to play back. Because I don't know aap kitne logo ko ye pata hai, but Commonwealth Games jo Delhi mein hua tha 2010 mein, usme main Indian team ki youngest captain thi. So uske baad mujhe professionally ab khelne ka mauka mil raha hai, to main to bahut excited hoon. कितनी preparation इस league के लिए आपने कुछ की है, any preparation? Well, because of the rains, we unfortunately couldn't practice. But I'm looking forward के I think October mid में हमारा practice sessions है. So I'm looking forward for I'm looking forward to be on the court and play and practice with all the team members. इसके अलावा कोई आने वाले समय में आपकी कोई upcoming project anything? Yes, my Telugu film is about to get released. I have recently been on board with Nikon as their brand ambassador for wildlife photography. And so, what about television comeback? वहाँ पे comeback? Television last 51 किया था मैंने दिया और बाती हम के बाद and उसके बाद एक और band baja band darwaza में I had a special appearance. I'm looking forward for a very strong character. जिसको करके मुझे एक्साइटमेंट हो, सो आई कीप गिविंग ऑडिशंस, लेट्स सी कहाँ क्या क्रैक होता है. थैंक यू सो मच. इस क्रिकेट लीग में कितनी गुगली आपने प्रिपरेशन की है? ये हम मैदान में पहुँचेंगे तो पता चलेगा, बिकॉज सी सबको क्या लगता है कि जब वेर एवर द विमेन इज वो थोड़ा वीक पॉइंट होता है, बट आई थिंक थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी एंड गेटिंग मी लाइक अनुपमा में जो मैंने किया है लाइक बैंग ऑन. सो वी आर गोइंग टू बी डर रहे हैं, यू सी इसे कहते हैं कहर. सो या वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट बिकॉज गोइंग टू बी फन एंड पहली बार हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्ले विद द हार्ड बॉल. और आई कैन ओनली से अश्योर कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैपनिंग. और हमारे प्रीतम जी भी यहाँ है, कैन वी हैव यू हियर? लड़कियों के सामने किसी की चलिए जो चले हमारी. And he's भाभी जी's favorite, you see, so girl's favorite. Naughty. प्रीतम जी, इस लीग के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों. यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग है और आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान में दो ही चीज़ें बड़ी फेमस है, एक सिनेमा और दूसरा क्रिकेट. और लड़कियां जो हैं वो बकायदा बल्ला उठा लिया है बेलन छोड़ करके. तो बहुत खूबसूरत महिलाएं मोहतरमाएं जो हैं वो क्रिकेट खेलती हुई नजर आ जाएंगी, गॉसिप करती हुई, कैट फाइट्स करती हुई और पता नहीं ना जाने क्या क्या. तो एंटरटेनमेंट होने वाला है बहुत कड़क, वो मिलेगा. और मजे की बात, नारद मुनि तो चाहिए ना निकालने के लिए. अगर आपको मौका मिला कोई टीम को सपोर्ट करना, कोई प्लेयर को सपोर्ट करना, ऑफ कोर्स किसको आप सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स ऐसे तो आपको सबको किन्हीं को ही करेंगे और किन को करेंगे. मैं तो प्रोड्यूसर का मतलब नहीं, एक्चुअली देखो ऐसे तो बड़ा गलत हो जाएगा किसी एक टीम को बोलने का, क्योंकि सब अपना टाइम निकाल करके और स्पोर्ट्स खेलने आ रही हैं, मजा करने आ रही हैं. तो सपोर्ट तो सभी को है और सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिकेट को है, वो खेल को है. तो बड़ा मज़ा आने वाला है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और ये छोटी सी आपकी मेरी बातचीत के बाद में जो है अंदर शुरू करेंगे मस्ती. सब तुम अभी पूछ लो, सारे सवाल तुम अभी पूछ लो, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना. फिजिकली यस, यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव. मुझे ये लगता है जो मैंने क्रिकेट से एक्चुअली सीखा है, विच रियली हेल्प्स मी इन माई लाइफ ऑल्सो, कि जब तक देर इज़ नो लास्ट ओवर एंड लास्ट बॉल, कुछ भी हो सकता है. सो गो ईजी, काम योर सेल्फ, डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट थिंग, बिकॉज एक ब्लड रश होता है तो यू नो यू रिएक्ट. सो वो मैंने एक सीखा है कि डोंट रिएक्ट, बिकॉज लास्ट बॉल तक ट्रीट एवरी बॉल एज अ फर्स्ट बॉल.
चाहे वो बैटिंग के लिए हो या बॉलिंग के लिए हो एंड बी वेरी काम ऑन द फील्ड. सीनियर स्टार क्रिकेट लीग विल बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, यू विल गो वॉच. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. चलिए, वेल आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि लड़की अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो आई थिंक ये इससे बेहतर इवेंट नहीं होगा ये प्रूव करने का कि हम भी बहुत आला दर्जे का क्रिकेट खेल सकते हैं. खास करके लोगों को लगता है खूबसूरत लड़की अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो ये बात गलत है और इंशाल्लाह ये चीज़ हम जल्दी प्रूव कर देंगे. अच्छा, इसके अलावा आपने किस तरह की प्रिपरेशन की है घर पर लंजेस ये सारी चीज़ें चलती है, बट यार मेंटली काफ़ी हद तक आई एम, मैं क्रिकेट देखना और ज़्यादा दिलचस्पी से चालू की हूँ और आई रियली फील के आई एम गोना डू गुड होपफुली. कुछ स्ट्रैटेजीज की किस तरीके से यू नो अलग अलग किस्म के शॉट्स मारते हैं, तो मैं विमेन का ही नहीं, मैं हमारे कैप्टन को भी काफ़ी फॉलो कर रही हूँ आजकल, विराट कोहली को, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. और इसके अलावा टीम के लिए आप खेलने वाले हो, आपको पता है? यस, मुझे पता है. कौन सी टीम के लिए? मेरी शख्सियत को काफ़ी सूट करता है वो नाम, गेस कर लें, सो इट्स पटियाला पटाकास. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैं तो एक्साइटेड हूँ जिगर बाबू के लिए, ये इन्होंने ये लॉन्च कर रहे हैं सिने स्टार क्रिकेट लीग, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड. ये अपने जीवन में इस तरह का पहला कॉन्सेप्ट लाए हैं और इस तरह का कॉन्सेप्ट ये अपने आप पहली बार कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. क्रिकेट तो हमेशा इंटरेस्टिंग होती ही है. बहुत अच्छा है और स्पेशली इसमें ये पहला सीज़न इनका, ये जैसा इन्होंने कहा सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मुझे तो धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत बढ़िया लगता था. चलो ओके. सी, एक तो ये वुमेन्स क्रिकेट लीग है और हम सब आवाज़ तो और ये वुमेन्स क्रिकेट लीग है और हम सब औरतें इस गेम में खेलेंगे और वही इसका मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है. सी, मुझे तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है. मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे और एग्ज़ाम चलती थी तो तब भी हम चुप चुप के वो क्रिकेट देखते थे, सो आज भी मुझे सचिन तेंदुलकर ही पसंद है. वैसे देखा जाए तो स्टेट ही पसंद है, लेकिन लेट्स सी अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि अभी क्या क्या निकल के आ रहा है हमारे अंदर से. या थैंक यू सो मच. It's amazing, it's fabulous. I personally feel fantastic to be part of such a great initiative where only women will be playing this year and I'm pretty much excited and I'm looking forward to it. How much you follow cricket and what is the shot which you most like, off square, leg square, straight drive? Oh my god. See, I love to watch cricket, but if you'll ask me like okay, now explain me the game rules and all, but I can't. But it's just that, you know, I truly and purely enjoy watching cricket. I don't understand much of it, but I'm going to learn through my in the practices and I think I'll pass that stage. Thanks. I'm super excited because this is something that I have not done before, to be honest. रियल लाइफ में तो करते हैं बट रियल लाइफ में आज तक नहीं किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है स्पेशली मेरे लिए. एंड इवन योर बेस्ट फ्रेंड इज आल्सो पार्ट ऑफ, अगर वो अगर दूसरी टीम में जाए, कोई कैट फाइट हो, कैट फाइट देखने मिल पाएगी? हम लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी दोस्ती आज स्टेक कर दूंगी यार, दैट्स नॉट पॉसिबल. बट आई थिंक डिफरेंट टीम्स रहेंगी तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन होगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, कुछ बायसनेस नहीं होगी, बट या आई डोंट थिंक हमारी वो चीज़ प्रोफेशनलिज्म पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट नहीं होगी फॉर श्योर.
जी सॉरी, कौन सी पोजीशन पे मुझे ये? वेल ये तो बड़े टेक्निकल टर्म्स हो गए मेरे लिए, बिकॉज रियल लाइफ में हम नंबर 3-4 तो यूज़ नहीं करते, बट आई कैन डेफिनेटली से दैट आई एम अ गुड बैटर देन अ बॉलर. आई डू प्ले क्रिकेट अ लॉट एंड आई एंजॉय बैटिंग एंड ऑल्सो फील्डिंग इज ऑल्सो माई थिंग. आई लव रनिंग योर एंड देयर, कैचिंग द बॉल एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक आई एम टेक इट एज अ स्ट्राइड एंड लाइक आई एम जस्ट गोना हैव फन, दैट्स ऑल आई नो फॉर श्योर. वेब शो फॉर MX, इट्स कॉल्ड एज रूहानियत. दो सीजन्स आर ऑलरेडी आउट, गाइज गो वॉच इट. दिस द शो इज अमेजिंग, इट हैज लाइक अ लव ट्राइंगल स्टोरी. सीजन 3 अभी आने वाला है, इट्स गोना बी आउट आई थिंक इन नेक्स्ट 10 days. काफी थ्रिलर है एंड या द सीजन इज प्रीटी नाइस, सो गो वॉच इट, दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलती हूँ. मैं बहुत खेलती थी बचपन में भी एंड कॉलेज वॉलेज में भी, क्रिकेट बास्केटबॉल, मतलब मैं काफ़ी स्पोर्टी पर्सन रही हूँ. एक्टिंग चलो हो गया तो फिर यू नो स्पोर्ट्स पीछे छूट गया, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई गेट टू रिलिव माई क्रिकेट डेज एंड दोज फन डेज. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड व्हाट्स बेटर देन प्लेइंग विद विमेन एंड गर्ल्स, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. So I think we are going to have a lot of practice sessions soon, so I'm excited for those. And apart from that, I've been like a you know sporty person. I've played sports, so matlab aise to my body mein hai sports, so I don't think mujhe zyada practice lagegi, but yeah, I'm just excited. Iske alawa maine abhi just palak se pucha tha ki agar aapki batch mein koi aur team mein jaati hai cat fight hone milega, unhone to kuch bola hai, but aap kya batana chahoge? I don't think so, matlab I am not a person jo aise ladai karenge, isliye main kabhi big boss nahi karti kyunki main jhagadne wali type hui nahi. सो मेरे को देखने में मजा आएगा, अगर कोई वहाँ पे कैट फाइट कर रहा है तो डेफिनेटली आई लव टू वॉच इट बट नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. तो या थैंक यू.